ये मतलब मैम, पूरा नॉमन क्लेचर रहता है तुम्हारा एंजाइम का, राइट? यस मैम, ठीक है, फिर हम लोग लिपिड पे चलेंगे, ठीक है? ट्राई किया, लिपिड खत्म हो जाए हमारा, ठीक है जी। हेलो श्रियांश, ये ओके, सो आज हम एक बच्ची से मिल के आएंगे जिसका नाम है लिली। है किसी की दोस्त लिली नाम की कोई बच्ची? नो मैम, ठीक है। अच्छा, कभी स्कूल में तुमने ऐसे प्रण लिया है? आज मैं कसम खाती हूँ कि मैं कल से पक्का टाइम पे आऊंगी, पर कभी आए नहीं टाइम से पहले पहुंच जाता है। है? क्या बोल रहे? टाइम से आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं। टाइम से आधे घंटे पहले पहुंचे? तुम दूर रहते होंगे, है ना? स्कूल कितना दूर है तेरा? 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट का दूर है? अच्छा, फिर भी इतनी जल्दी पहुंच जाते? इतनी जल्दी क्यों जाता है फिर? ऐसे बातें करनी होती दोस्तों से। यो हाँ ठीक है, मेक सेंस। तो कभी तुमने औंत तो ली होगी असेंबली में, स्कूल की औंत लेते हैं यार, कम ऑन। किसी ने नहीं ली? यस यो मैम, मैम, तो एक बच्ची है जिसका नाम है लिली। हाँ, एक बच्ची है जिसका नाम है लिली और वो औंत ले रही है, ठीक है? सो दिस इज लिली, LILLY, और वो क्या ले रही है? औंत। तो तुम वर्ड क्या याद रखोगे? औंत और लिल। लिल का पूरा नाम नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि अपने तो दोस्त नहीं है ना लिली नाम की। तो OTH से औंत याद रखेंगे हम, और लिल को उसके पीछे लगा देंगे, ठीक है? LIL। समझ आया अल्फाबेट? तो लिखो औंत यस लिल, अपनी मैम, कॉपी में ऐसी लिखो, एक एक लाइन छोड़ के। हम नॉमन क्लेचर करने वाले हैं एंजाइम का, कि आप अल्फाबेट से बता सकते हो किस तरीके का एंजाइम है और वो एंजाइम क्या एक्टिविटी करता है। वैसे नॉमन क्लेचर से बहुत टाइम से क्वेश्चन आए नहीं है, बट स्टिल क्योंकि ये पार्ट है सिलेबस का, तो करवाऊंगी तो मैं हूँ, है ना? तो ऑथ लिल लिखा सबने एनसीईआरटी अपनी कॉपी में, ठीक यस है? चलो इसे कवर करते हैं। तो इतनी केमिस्ट्री सबको आती है, लेट्स सी। फर्स्ट जो हमारा नॉमन क्लेचर है, दैट इज ओ। ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम को भी हम डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। डी मतलब हटाना या लगाना। हटाना हटाने हाँ, बेसिकली रिमूव हटाना करते ना, तो किसको रिमूव कर रहे होंगे यहाँ पे? हाइड्रोजनेस किसको रिमूव करेगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन हाइड्रोजन अब ये बोल रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, और एक ऐसा एंजाइम है जो रिडक्शन भी कर रहा है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन या लूज। लूज गेन रिडक्शन का मतलब होता है गेन, जो रिड्यूस होता है ना उसको कोई चीज मिली होती है, और ऑक्सीडाइज जो होता है उससे कोई चीज गई होती है। आप ऑक्सीजन की बात करते हो, हाइड्रोजन की बात करते हो, रिमेम्बर? तो दिस मींस लूज, ठीक है? तो ऑक्सीडो रिडक्टेज इज एन एंजाइम, ओ से स्टैंड करेगा वो क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, जो एरो की इस तरफ लिखे हैं ये है हमारे सबस्ट्रेट, ठीक है? और जो एरो की इस तरफ लिखे हैं दैट वुड बी आवर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम अगर यहाँ लगेगा तो क्या होगा? सबस्ट्रेट कोई एक होगा जिसमें से लूज होगा। तो ए के साथ एच लगा हुआ दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन दिख रहा है? यस मैम, तो हुआ ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम ने क्या किया, इसने हाइड्रोजन को तोड़ दिया ए के पास से और उसको बी वाले सबस्ट्रेट पे लगा दिया। तो बी वाला सबस्ट्रेट क्या हो गया? ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस और ए क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन का यहाँ रिमूवल हुआ है ना, दैट इज डिहाइड्रोजनेस। सो ऑक्सीडो रिडक्टेज आर द एंजाइम्स जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करते हैं केमिकल रिएक्शन में, क्लियर? मैम, किसके आसपास घूम रहे हैं ये? हाइड्रोजन के। तो याद रखना, रिमूवल हाइड्रोजन का करना है और किसी का नहीं। पर मान लो कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगा हुआ है, लेट्स से नाइट्रोजन लगा हुआ है, ठीक है? लेट्स से नाइट्रोजन लगा है। So, इस केस में जो एंजाइम आएगा वो ऑक्सीडो रिडक्टेज नहीं होगा, इस केस में आएगा अगला एंजाइम। तो ओ के बाद कौन सा अल्फाबेट है? टी। टी 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 स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या करता है? बस ट्रांसफर। ए सबस्ट्रेट से जो भी एंजाइम, जो भी एलिमेंट पड़ा था उसको उठा के बी के साथ लगा दिया। तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं ट्रांसफरेज। रिमेम्बर, ये जो भी चीज ट्रांसफर हो रही है वो हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हाइड्रोजन होती तो एंजाइम होता ऑक्सीडो रिडक्टेज। समझ आई बात? ठीक यस है। थर्ड अल्फाबेट कौन सा है? एच। एच 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 स्टैंड फॉर हाइड्रोलेज। हाइड्रो मतलब पानी। कुछ मत करो, जो भी सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड है, ये जो सबस्ट्रेट है
इनके जो बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तुम किससे ब्रेक करोगे? विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो इसमें पानी डाल दो तो ये जो एंजाइम है ये पानी की मदद से, जैसे मैं एंजाइम हूं तो मैं पानी की मदद से एक सब्सट्रेट का बॉन्ड तोड़ के उसको प्रोडक्ट में चेंज करूं। सो ऐसे वाले एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलेज, जो पानी की मदद लेते हैं। समझ आई? यस। तो अगर मैं दोबारा इस पे आती हूँ तो ऑथ लिली में ओ स्टैंड्स फॉर कौन सा एंजाइम? ऑक्सीडोरिडक्टेज। और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन रिमूव करता है तो क्या बुलाते हैं? डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज। ई स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज। एच स्टैंड फॉर हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज। शाबाश। अब आता है लिल, एल आई एल। मेरी तो दोनों एल है ना, इसको याद करने में दिक्कत होगी। तो तुमने कभी भी हिंदी पिक्चर देखी है? हिंदी पिक्चर की एंड में चाहे पुच्चे में जितना मर्जी तूफान आया हो, एंड में सबको ठीक हो जाता है? कायदे से पिक्चर देखने का मजा भी यही आता है, सब ठीक हो जाए। अगर पिक्चर में भी एंड में सब कुछ खराब होना है तो जिंदगी में भी खराब हो रहा है, तो फायदा क्या था पिक्चर देखने का? लॉजिक है ना? मेरे को तो ऐसे ही लगता है, कम से कम पिक्चरों में तो चीजें ठीक हो जाए। अगर वहां पे भी सब खराब ही होना था, मेरी जिंदगी में भी खराब चल रहा है, तो फिर मैं पैसे देके क्यों देखने गई? राइट? मानते हो कि नहीं? नहीं, मजा लग रही है। तो एंड में जो भी चीज होगी वो चीजों को ठीक करेगी, ठीक है? तो क्या वो चीजों को तोड़ेगी या जोड़ेगी? जोड़ना अच्छा होता है, तोड़ना? जोड़ना है ना, मानते हो ये जोड़ना। तो लास्ट वाला जो एल है वो क्या करेगा? दैट विल ज्वाइन, ज्वाइन करेगा चीजों को। रप्पा को बायो में पता है कि एक होता है लाइसिस और एक होता है लाइगेस। तोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? लाइगेस। हाँ, तोड़ना। लाइगेस। जोड़ने वाले को लाइगेस। राइट, ये बात याद रखें, लास्ट में सब कुछ जुड़ जाएगा, लास्ट में सब ठीक हो जाएगा। ओके, अब चलते आगे। तो ऑथ लिली में फर्स्ट एल स्टैंड फॉर लाइएस। लाइएस मतलब तोड़ना। तो सब्सट्रेट के बीच में जो बॉन्ड की ब्रेकेज करके प्रोडक्ट बना रहा है, दैट एंजाइम वुड बी लाइएस। तो लाइएस ने क्या करा? किया क्या? ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम है फिफ्थ नंबर पे आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्या करते हैं? एक को दूसरे में कन्वर्ट। हाँ, स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री किसी की चेंज करते हैं ना। अगर सिस को ट्रांस में चेंज कर देते हैं, ट्रांस को सिस में चेंज करते हैं, राइट? तो स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री चेंज करेंगे किसी की। बाकी सब कंपोनेंट तो सेम ही होते हैं ना। तो ए सबस्ट्रेट में जो था उसमें वही सारी चीजें हैं, इट जस्ट दैट उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट कर दी उसने। तो आइसोमेरेजेस क्या करते हैं? एक को दूसरे में चेंज कर देते हैं। जैसे आप, अगर आप ग्लाइकोलिसिस आपने करी है तो आपने उसमें पढ़ा होगा ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कर दिया जाता है, होता सेम है, बस स्ट्रक्चरली थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है उसे, राइट? तीनों, दोनों में छह कार्बन नहीं होते हैं, ठीक है? तो आइसोमेरेसिस डू व्हाट? वहां पे आइसोमेरेज लगता भी है, आइसोमेरेसिस सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं। लास्ट में आता है लाइगेस, वो क्या करेगा? एक सबस्ट्रेट को दूसरे तरफ से बना देगा। तो देयर विल बी बॉन्ड मेकिंग। बस इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, लाइगेस और लाइसिस में, ठीक है? यस मैम। ठीक है, क्लियर सबको? दिस वॉज द पार्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर। डन है सबको? यस मैम। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने लिपिड वाले पार्ट में। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं ना, एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंजाइम, कर लिया? मतलब केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट रहता है। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कर लिए। प्रोटीन कर लिया। न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। पॉलीमर की बॉन्डिंग तो हम अभी चल रहे हैं, तो अभी भी ये कॉन्टिन्यूस है, चलती रहेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म कर लिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म किया था, जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन कराए थे मैंने, समझ आई? मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग भी उसी के अंदर पढ़ा था। लिविंग स्टेट ऐसा हमने अभी टॉपिक नहीं पढ़ा, छोटू सा है, कुछ खास है नहीं। और लास्ट में हमने एंजाइम कर लिया। बचा गया अपने पास, एक बचा अपने पास कार्बोहाइड्रेट और एक अपने पास बचे लिपिड। यहाँ पे लिपिड नहीं मेंशन, ठीक है? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? लिपिड्स। लिपिड्स, ठीक है जी। चलो लिपिड्स करते हैं। चौथा है, लिपिड में कुछ ज्यादा है भी नहीं, तो तुम्हारा जल्दी से खत्म हो जाएगा। रुक जा। क्या बात है, बहुत सारा कुछ कर लिया तुमने है। अब यार बंद ना हो जाए। लिपिड, लिपिड खाएगा भी?
क्या तली पे? होता फैट्स, ऑयल, मतलब बेसिकली तो अपने घर में जो भी खाना खाते हो उसमें तेल तो डलता ही है ना, जी? दोज आर लिपिड्स. ठीक है, घी भी लिपिड है, ऑयल भी लिपिड है, सारे फैट्स भी लिपिड है, बर्गर में जो चीज डलता है वो भी लिपिड है, तुम्हारी बॉडी के अंदर फैट है वो भी लिपिड है, तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है. कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अभी ठंडी है ना, अगर ठंड में हर चीज जम जाती है तो तुम्हारी जो ये लेयर है ना सेल की, जो हम बोलते हैं ना लिपिड बाय लेयर है, ये भी जम जाती, क्योंकि ठंडी में चीजें जम जाती है, ये भी जम जाती है. सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का एक मॉलिक्यूल होता है जो उसे जमने नहीं देता, तो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसको जमने से रोकता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोलेस्ट्रॉल एनर्जी का सोर्स भी होता है, राइट, और बीमारियां भी कॉज कर सकता है ज्यादा अमाउंट में हो. अगर तुम्हारी बॉडी में प्रोटेक्शन है दैट इज ऑल्सो लिपिड, तो जो फैट मॉलिक्यूल्स है वो भी लिपिड है, अगर बॉडी में कहीं पे भी थोड़ा फैट है दैट इज अ लिपिड, राइट. तो लिपिड है बेसिकली एवरीवेयर, तो बहुत सारे लिपिड है, उसके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तुमको सिर्फ नीट के परस्पेक्टिव से पढ़ना है, राइट. सो व्हाट आर लिपिड? लिपिड आर कुछ नहीं, वो सब्सटेंसेस है जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं. तुमने लिपिड बायलेयर पढ़ी होगी, वो इनसॉल्युबल होती है पानी में, ठीक है, एक पार्ट है उसका जो अंदर नहीं जाता. तो इतना याद रखना कि कभी पानी लो, पानी के ऊपर तुम थोड़ा सा तेल डालो, तुम देखोगे ना तेल ऊपर तैरता है या नीचे बैठ जाता है, ऊपर से उठ मिक्स ऊपर नहीं तक है होते वो, पानी के साथ तेल मिला दोगे कुछ नहीं होगा, गर्म भी करके देख लेना मिक्स नहीं होता वो. तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये स्टेटमेंट भी इस क्वेश्चन में लाइन आ सकती है. बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लैब के अंदर डालो, वहां पे तुम्हें ये घुलता हुआ भी दिखेगा. ठीक है, दो चीजें डन. अब अगर हम लिपिड की बात यस। करें तो लिपिड कैसे होते हैं, छोटे छोटे मैंने चार्ट बनाया, क्योंकि क्या है ना लिपिड लंबा खिंच जाता है और फिर उसके बाद बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं. इसको शॉर्ट में करेंगे क्योंकि ये ज्यादा हैवी नहीं. देखो लिपिड्स होते क्या है, अलग अलग टाइप के हैं, हमें सिर्फ तीन करनी है. एक है हमारे सीधे सादे लिपिड, कैसे कैसे अभी तो बोला. अरे यार, एक तो तुम चुप करके बैठ जाते हो, प्रॉब्लम क्या है, ऐसे तो नहीं पढ़ाऊंगी मैं, जवाब दोगे या नहीं बताओ फिर. क्या बोला? हाँ मैंने बोला लिपिड बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो एक होते हैं सीधे सादे लिपिड, कैसे वाले होते हैं, सीधे सादे से लिपिड, सीधे एकदम हाँ एकदम शरीफ वाले लिपिड, जैसे नॉर्मल के जाते हो ना तुम. अगर तुमको कभी कोई स्कूल में तुम शैतानी कुछ भी करो और तुमको प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया जाए तो तुम कैसे बन के जाओगे प्रिंसिपल ऑफिस, सच बताना. शरीफ सीधे सादे बिल्कुल शरीफ, मतलब अगर गलती से भी बाल इधर से उधर हो रहा होगा तो सबसे पहले ऐसे बना लो खुद को, नहीं ये मुझसे ज्यादा शरीफ तो कुछ भी जी नहीं मैम। है ना. बाकी चाहे यहाँ पे तो पूरी पोनी बना के घूम रही है, इसने यहाँ से स्पाइक्स खड़े कर रखे हो, अभी भी स्पाइक्स का कल्चर है क्या? ओ मैं, मेरी साउंड नहीं आ जा रही. नहीं बेटा तेरी साउंड कहीं नहीं आती है ना, अब नहीं है, बाल ऐसे खड़े करके नहीं जाते बच्चे, चेंज हो गया, मैम है अभी अभी भी है ना. हाँ वही ना, लेकिन प्रिंसिपल सर बुलाएंगे या प्रिंसिपल मैम बुलाएगी, एकदम चंपू बन के जाओगे. तो दैट इज लिपिड, सिंपल सीधे सादे लिपिड. तुमको ज्यादा पढ़ना भी इसी के बारे में, सीधे सादे लिपिड के बारे में, ठीक है. फिर आते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड और डेराइव लिपिड. तुमको देख के पता चल रहा है ना कॉन्जुगेटेड एंड डेराइव में थोड़ी मिलावट होगी, होगी ना, देख के भी पता चल रहा यस है, राइट. तो ये वाले हम आगे पढ़ेंगे. तो सीधे सादे लिपिड की बात करते हैं, तीन तरीके के लिपिड पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है. एक कहते हैं सिंपल टाइप ऑफ लिपिड्स, मतलब सीधे सादे लिपिड, इसके टाइप्स है तीन. पहले सुन लो, मैं लिखने का टाइम दूंगी, क्लास में लिखवा के भेज दूंगी तुम्हें, वैसे भी तुम दो क्लास लगाओगे, आज एक्स्ट्रा क्लास है ना तुम्हारी, यस मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी इस क्लास में, दूसरी क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगी, आ जाना. क्वेश्चन कराने मैंने देखा तुम इजी कर लेते हो, पढ़ाती हो ना तो ऐसे बंद कर दो पढ़ा रहे हो मुझे, वो तुम्हें क्वेश्चन ही कराऊंगी, बस आ जाना. तो सिंपल लिपिड तीन टाइप के, फैटी एसिड, यस ग्लिसरॉल एंड ग्लिसराइड. मेरी बात ध्यान से सुनो, फैटी एसिड इज अ टाइप ऑफ ए सिंपल लिपिड. तो बड़ी कंफ्यूजन होती है कि फैटी एसिड किसी के साथ लगते हैं तब हम उसे लिपिड बुलाते हैं, नहीं, फैटी एसिड अकेला भी लिपिड है, फैटी एसिड किसी और मॉलिक्यूल के साथ लग के भी एक टाइप ऑफ लिपिड बनाता है. तो सबसे सिंपल लिपिड की बात कर रही हूँ, मतलब जैसे अमीनो एसिड की बात करते हैं ना, जैसे मैंने ग्लाइसिन बोल दिया, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, और ग्लाइसिन एक चेन में लगकर पूरी प्रोटीन की चेन भी तो बना सकता है ना, वैसे ही सिंपल लिपिड में एक होता है फैटी एसिड, फैटी एसिड इटसेल्फ इज अ सिंपल लिपिड. दूसरा होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल अपने आप में एक सिंपल लिपिड है, और अगर इन दोनों को मिला दूं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल तो बन जाता है ग्लिसराइड. ग्लिसरॉल और ग्लिसराइड में अल्फाबेट किस में ज्यादा है? ग्लिसरॉल ग्लिसराइड वन टू थ्री ग्लिसराइड फोर फाइव
सिक्स सेवन एट, सही बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये 9 और 10 है। अब मैं तेरे को मुक्का मारूं, है ग्लिसरॉल में कैसे है बे? ये देखो हद हो गई। तू बेटा कितनी बार मैं तेरे को बोला क्लास से पहले तो ज्यादा खाना मत खा के आया, और ऐसे झूम रही होती है। तबीयत कैसी है तुम लोगों की, जितने बीमार बच्चे थे? ठीक हो तुम? काई यो यो की ठीक है, मैम, वैसे की ठीक है, 9 10 तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मैम तीन चार बच्चे और मैंने बीमार फैटी ऐसे सुना, हैं। क्या मैंने सुन रही? फैट सुना मतलब। अच्छा फैट सुना, अच्छा, तब भी ठीक है तुम्हारी, लग तो नहीं यो रहा। मैम, यार तुम लोग भी अपना थोड़ा कोसा पानी पीना, और कोसे पानी में थोड़ी सी हल्दी, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, थोड़ी सी हल्दी का टेस्ट ही नहीं आता, मुझे भी पसंद नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी हल्दी डाले ना चुटकी में, और अदरक अगर तुमको, वैसे अदरक मुझे लगता नहीं किसी को पसंद है बच्चों में, मुझे खुद नहीं पसंद, लेकिन थोड़ा सा अदरक मैं कोसे पानी में डाल देती हूँ, उसको ऐसे छोड़ देती हूँ, उसमें घुल जाता है। अदरक और हल्दी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, सब कुछ एंटी है ये, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इनको कोसे पानी में पी लिया करो। मैं तो सुबह सुबह उठ के इसको पीती हूँ पानी में, एक तो इन दोनों का टेस्ट नहीं आता, तो सबसे अच्छी बात तो यही है, लेकिन मेरे शरीर में चले जाते हैं। तो आजकल मौसम खराब है, प्लीज हर क्लास में बच्चा बीमार हो रहा है, भगवान के लिए बीमार ना हो। तुम खुद सोचो तुम बीमार हो गए, तुमने पहले प्लान कर रखा है एक दिन एक रात पहले पेपर की तैयारी करके प्री बोर्ड दूंगी, सोचो कैसे दोगी पेपर, है ना? बीमारी होगी तो। अब हर्ष को देख लो, है ना हर्ष, तेरे साथ तो दिक्कत होगी होगी ना, अब कैसे पढ़ूंगा मैं? कर लूंगा ऐसे। हाँ कर लूंगा मैं, ऐसे एक नाक से कर लूंगा मैं पढ़ता। तो अभी मत बीमार हो यार, तुम पहले भी पढ़े हो नहीं, एक रात पहले तुमने पढ़ना है, अब एक रात पहले सुड़ सुड़ करोगे या पढ़ोगे, तो सेहत का ध्यान रख लो, ठीक है, जेन्युइन रीजन है ना? है ना, देखो बहुत सीरियस रीजन है, तो चुप हो गई है ना लड़कियां, लड़कियां भी एक रात पहले पढ़ती है, मुझे पता है, मैंने भी कुछ पेपर ऐसे ही दिए हैं, ठीक है, कॉलेज के, तो आ जाते हैं इस पे। तो सिंपल वाले फैटी एसिड, ग्लिसरॉल भी एक लिपिड होता है, ग्लिसराइड्स भी लिपिड होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिला के ग्लिसराइड बनता है, लंबा वाला वर्ड है ना, अगर तुम कहीं मतलब मान लो बिल्कुल ही भूल गए, लेकिन इतनी फालतू की बात तो नहीं भूलोगे ना, कि ग्लिसरॉल और ग्लिसराइड में अल्फाबेट किसमें ज्यादा है, जिसमें अल्फाबेट ज्यादा है वो बड़ी टर्म है, ग्लिसरॉल को उसमें मिला देना, समझ आई बात? इसको फटाफट लिखो, यस मैम, फटाफट लिखो, फटाफट, देर नहीं करनी इसको, फटाफट खत्म करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन पेपर भी बच्ची ने भेज दिए, तो अब आपसे शेयर कर लिया जाएगा। और जितने बच्चों को स्कूल से धमकी मिली है कि पास नहीं हुए तो नौ नंबर नहीं मिलेगा, पास हो जाना लेकिन नौ नंबर तब भी दे देंगे, लेकिन पास हो जाना, नहीं तो बेइज्जती बहुत होगी। ट्राई करेंगे। नहीं हो जाएगा पास, ऐसी कोई बात, मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है, पास तो हो ही जाएंगे, इतना तो तुम ट्यूशन में सुन भी लेते हो कि कुछ तो लिख ही आओगे। मैं ये नहीं मान सकती कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और वो बोर्ड में फेल हो जाए, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? अब फिर नीट के लिए तुम इतना ज्यादा ध्यान से सुनते हो तो तुम बोर्ड लेवल का तो लिख ही लोगे, बाकी मेरे को गलत मत साबित कर देना कि लो मैम आपने सुना नहीं था, देखो देखो अंडा भाई, मैं घर पे खुद अंडा बना लूंगी, तुम मत लेकर आना, मुझसे अवंती वाले कॉलर पकड़ के पूछेंगे ये क्या करा है, फेल कैसे करा सकती हो, ठीक है। तो इधर आओ, फैटी एसिड में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक आर ग्रुप लगा दो, तुम्हारी सबसे बढ़िया बात है, तुमको आर ग्रुप के बारे में जानना नहीं है कि कितने कार्बन लगे हैं, एक आर ग्रुप लगा उसके पीछे COOH लगा दे, अगर ये एक सीओ चल लग गया ना, तो दिस इज अ फैटी एसिड, इससे ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा यार? ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल बहुत सिंपल है, तीन हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? OH, प्रोपेन, ओए मिथेन इज, अबे मिथेन ना, सीएच फोर CH4, और अगर मैं दो कार्बन लगा दूं तो यार इतना तो मुझे भी पुराने जमाने से याद है, और अगर मैं तीन कार्बन लगा दूं तो प्रोपेन
प्रोपेन है ना, तो प्रोपेन यहाँ लिखा है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास हो गए तीन कार्बन, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल। भाई ये चार नंबर का क्वेश्चन है, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला देख रहे हो तुम यहाँ नीट वाले, अरे ले जाओ नंबर भगवान के लिए, ले जाओ नंबर यार। तो ग्लिसरॉल इज ऑल्सो नोन एज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी कि इसके पास क्या होंगे, तीन ओएच ग्रुप हो जाएंगे तीन कार्बन के ऊपर लगे हुए। इतना तो समझ आ गया था ना तुमको, तीन कार्बन के बाद ये होती है वन टू थ्री ओएच ओएच ओएच, चलेगा चलेगा ठीक है, चलो यस मैम बनाएंगे नेक्स्ट। ग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के एस्टर है ये, मतलब कि कुछ मत करो, एक अल्कोहल लगा दो और उस अल्कोहल के अंदर एक एसिड डाल दो तो एक एस्टर बन जाएगा। अल्कोहल क्या लोगे इसमें, अल्कोहलिक ग्रुप किसमें दिख रहा है अंधो, ग्लिसरॉल। प्लीज एसिड कौन सा यहाँ दिख रहा है तुमको, फैटी एसिड, तो यो यो मैम हमारे यस ग्लिसराइड, दिस इज अ मैम ग्लिसराइड आर फॉर्म बना, मैंने बोला था ना दोनों का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है, दिस इज व्हाट इट इज। लिखो इसको, यस लिखो लिखो इसको, ये जो नीचे मैंने लिखा ये वाला और ये छोटा सा ग्रीन कलर का जो लिखा है वो, एफ ए स्टैंड्स फॉर फैटी एसिड, शॉर्ट फॉर्म है उसकी, हर बार थोड़ी पूरा लाइन लिखूंगी, मेरे हाथ नहीं दुख जाएंगे। डन, यो लेक्चर के बाद एक बार एनसीईआरटी करना पढ़ना, तुमको सब समझ आ जाएगा, बहुत इजी है ठीक है। अब एक बात बोल रही है कि मोस्ट फैट्स एंड ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स, तो मोस्टली जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कैसे होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। तो ग्लिसरॉल के लिए हमें साइंटिफिक नेम क्या था दूसरा, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन हाइड्रोक्सी प्रोपीन ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपीन, और फैटी एसिड के लिए क्या लिखना है फॉर्मूला, COH COOH। COOH ठीक है, तो ट्राई ग्लिसराइड लिखना चाहती हूँ मैं ठीक है, ट्राई ग्लिसराइड मैं कैसे लिखूंगी, ग्लिसराइड क्या करोगे, बोलो बोलो बोलो। थ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल हाँ तो मैं कैसे लिखूंगी, तीन फैटी एसिड प्लस कितने ग्लिसरॉल, थ्री ग्लिसरॉल इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ना, तो तीन वन हाइड्रोक्सी प्रोपेन के लिए एक दो तीन कार्बन हो गया ठीक है, उसके साथ तूने कौन सा ग्रुप लगाया है, एसिड सी ओ ओ, सीएच और इसकी जगह आर लगा दिया, ये लगाया ना बेटा यू है ना, सी मैम डबल फोर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से देखूं, तो मुझे क्या समझ में आया कि कितने ग्लिसरॉल लगे मेरे पास, वन, और वन फैटी एसिड कितने लगे बेटा, थ्री, थ्री थ्री फैटी एसिड। तो मैं कह सकती हूँ कि एक जो ग्लिसराइड होता है, ये जो ट्राई ग्लिसराइड है, ट्राई ग्लिसराइड में कितने फैटी एसिड होते हैं, थ्री थ्री फैटी एसिड प्लस वन ग्लिसरॉल इक्वल्स टू ट्राइग्लिसराइड, क्लियर, यस यो यो मैम ठीक है। सो मेक श्योर कि ये कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, ट्राइग्लिसराइड में ऐसे लिख देते हैं तीन फैटी एसिड और तीन ग्लिसरॉल, पर एक्चुअली में इसमें तीन फैटी एसिड होते हैं और एक ग्लिसरॉल होता है, क्लियर। अगर मैं ये ऐसे बनाती यो देख लेती, समझ आया या नहीं, या उड़ गए, क्या बनता, कितने फैटी एसिड है इसमें, टू टू, और ग्लिसरॉल वन, वन हाँ वन बोलो, तो मैं इसको बोल सकती हूँ डाइग्लिसराइड, चलेगा
योयो मैम। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे को ये बता दे फिर। अब क्या बनेगा? दिस राइट राइट मोनोग्लिसराइड, ठीक है, एक ही है ना, मोनोग्लिसराइड, समझ आए? यो यो मैम इसमें यो मैम एक ग्लिसरॉल प्लस वन फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड में क्या है, एक ग्लिसरॉल प्लस टू फैटी टू फैटी एसिड, और ट्राइग्लिसराइड में थ्री फैटी एसिड प्लस वन ग्लिसरॉल। अब याद रह जाएगा, क्वेश्चन आया था इस यो मैम। साइड पे, क्वेश्चन आया था, पर साथ में ये लिख लो तो सही हो जाएगा। ओके जी, यो चल डन 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 डन, लिख लो लिख लो। हो गया तो थम्स का आप करो, आगे बढ़ती। बहुत बढ़िया, अब एक मस्त लाइन आएगी तो मजे आएंगे। व्हाट इज अ फैटी एसिड? अब जो मैंने तुम्हें पीछे बोला इसको, ये देखो, ये फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और ग्लिसराइड, इसको ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले हैं, बस उस थोड़े थोड़े में क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब फैटी एसिड क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दैट इज COOH, जो किससे अटैच होता है, आर ग्रुप से। आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो मिथाइल भी हो सकता है, वो इथाइल भी हो सकता है, वो कार्बन का हायर नंबर भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पूछी जा सकती है, ठीक है, कि ये जो आर ग्रुप है ये क्या है, ये मिथाइल है ये इथाइल है, इसमें कितने भी कार्बन लग सकते हैं। और एनसीईआरटी स्पेशली बताती है कि 1 से 19 कार्बन तक का ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, इसका वो एग्जाम्पल भी देती है कि तुम ऐसे एसिड देखो, मतलब इस तरीके के फैटी एसिड देखो जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा होते हैं। तो देखो इसमें COH ग्रुप है, COH यो ग्रुप, उसके साथ लगा दो आर, ठीक है। तो ये जो आर है ना, दिस इज अ फैटी एसिड, ये जो ऊपर बनाया मैंने फैटी एसिड है, तो ये आर को खोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आर को खोल के क्या लिखा है, CH3, उसके साथ CH2, उसके बाद 14 एंड COOH। तो COOH है और इसके साथ आर ग्रुप है, दैट मीन्स इट इज अ फैटी एसिड, ठीक है। अभी कौन सा फैटी एसिड है वो हमें लिखना है। तो फैटी एसिड में मेरे को बताओ कितने कार्बन है, ये वाले फैटी एसिड में कितने कार्बन है, इस वाले में, इस वाले में 15 15। हम 15 जनरली COH का कार्बन काउंट नहीं करते ना, तो ये तो 14 हो गया, CH2 कितने 14 टाइम्स है, तो ये रहा 14 कार्बन, और उसके साथ एक और ऐड करोगे 15 कार्बन। लेकिन जब आप फैटी एसिड लिखते हो ना, तो फैटी एसिड का COH ग्रुप ऐड होता है, तो नीट की ये लाइन बनती है, द कार्बन ऑफ COH इज इंक्लूडेड इन फैटी एसिड, समझे? इसको आप अपने नेम में जब भी लिखोगे इसको इंक्लूड करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 16 16 16, है ना, 14 15 प्लस 16, सो दिस इज अ 16 कार्बन एसिड, दिस इज नोन एज पालमिटिक एसिड। तो पालमिटिक एसिड कौन सा एसिड होता है, इट इज अ फैटी एसिड। अगर मैं इसको और लिखूं तो मैं कहूंगी पालमिटिक एसिड क्या है, इट इज नथिंग बट अ फैटी एसिड, और कितने कार्बन का है, विद 16 कार्बन, 16 16 कार्बन, ठीक है, 16 कार्बन का। ये नीट पूछता है किसमें 16 कार्बन है और किसमें 20 कार्बन है, फेवरेट है उनका, तो फैटी एसिड से ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पे आओ, ये वाला भी एक फैटी एसिड है, इसमें COH ग्रुप है प्लस ये पूरा का पूरा कुछ नहीं है, ये R ग्रुप ही है। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इस वाले, 20 हाँ 18 19, एंड बेटे ये वाला कार्बन भी काउंट करेगी ना राजकुमारी, 20 हो गए ना, राइट? तो ये 18, ये हो गया मेरा 19 और ये हो गया मेरा 20। तो 20 कार्बन का जो ये फैटी एसिड है, दिस इज नोन एज एरेकिडोनिक एसिड, तो दिस इज ऑफ 20 कार्बन, ठीक है। ये आपसे दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछ लेते हैं, सीधा सीधा पूछते हैं 17 कार्बन, 16 कार्बन का कौन सा है और 20 कार्बन का कौन सा है। एनसीईआरटी में आपको ये लाइन मिलेगी भी, तो मेरे को फटाफट ढूंढ के बताओ। जहां तक मुझे याद है, जहां पर ये डायग्राम्स नहीं दे रखे थे आपको बहुत सारे, उसके लेफ्ट साइड पे जो पेज है ना, आई थिंक ज्यूटेराइन के नीचे ही लिखा है। फटाफट ढूंढ के बताओ पाल्मिटिक एसिड और एरिकिडोनिक एसिड कहाँ लिखा है।
बायोमोलिक्यूल्स। सुनो, मैम 144 पे। नई बुक है पुरानी बुक है बेटा? मैम नहीं, 144 पे नई बुक, और पुरानी वाला देखो किसी के पास है तो। कौन सी लाइन है बेटा? मैम जो डायग्राम बना है उसकी 5th लाइन, डायग्राम की सेकंड फिफ्थ लास्ट वन। सबको मिला? प्रीति यू को मिल गया, सुरु को मैम, मिल गया, अर्श को मिल गया, और को मिला वंश, मयंक, बाकी को मिला बेटा पाती, राजकुमारी, विनय, रिजुल। ठीक है, मिल गया रिजुल, राइट। इसको अंडरलाइन कर लो, यहां से क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, अंडरलाइन करो। डन, ठीक है जी, चलो आगे चलें। फॉर्मूला नहीं उन्होंने यू दे रखा तो फॉर्मूला पे नहीं आएगा, पर स्टिल। अब जो फैटी एसिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिनके पास डबल बॉन्ड नहीं होता, ना डबल बॉन्ड होता है और ना ही सिंगल बॉन्ड, राइट। इतना तो तुमको पता होगा यार। अनसेचुरेटेड क्या होता है? जिनके पास एक या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको अनसेचुरेटेड बोलते हैं। जो टिके नहीं हुए हैं उन्हीं के पास तो डबल ट्रिपल बॉन्ड है ना। जो सेचुरेटेड मतलब टिके बैठे हैं उनके पास एक, ऐसे याद कर लो ना। सेचुरेटेड का मतलब होता है एंजाइम के ऊपर सारे के सारे लग गया, सारे एंजाइम ऑक्यूपाइड है, वो सेचुरेटेड है। तो एक एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट लगा हुआ है, वो सेचुरेटेड पड़ा है। अनसेचुरेटेड वो है जो इधर उधर टकरे मार रहा है। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड जहाँ बनते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं। मेरे को बताओ जो ऑयल्स होते हैं सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड, हमारे लिए ज्यादा हेल्दी क्या है? फैटी एसिड कौन सा है हेल्दी है, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड? सैचुरेटेड सेचुरेटेड है पक्का? सैचुरेटेड से मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत बोल रहे हो तुम। ठीक है, घर पे किस खाने में बनता है, किस तेल में खाना बनता है? मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल। वो मस्टर्ड ऑयल खुला लेके आ रहे हैं घर वाले या फिर वो बॉटल वाला ला रहे हैं? बॉटल बॉटल वाला, वाला, बॉटल वाला। बोतल। पढ़ के आना उसके पीछे कौन सा लिखा है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी हेल्थ से रिलेटेड, तुम मस्टर्ड ऑयल का पता करके आना। एक देसी घी का डब्बा हो किसी के घर में, अगर जो डब्बा आता है घर का निकाला देसी नहीं घी, नहीं उसमें तो कॉम्पोजिशन कहीं नहीं लिखी होगी, अगर किसी के पास बाहर का डब्बा है तो एक बार उस पर पढ़ के आना। ठीक है, चलो आगे आते हैं, यस मैम। पीछे आते हैं। फैटी एसिड डन, इतने क्वेश्चन बनते थे इससे। ग्लिसरॉल पे चले, यूरोबो देखो ग्लिसरॉल क्या था, यूरोबो बहुत प्यारा सा था, यस इसका प्यारा सा नाम है, तीन OH ग्रुप वाला प्रोपेन है ना, तीन OH ग्रुप वाला प्रोपेन। इसको हम क्या बोलते हैं, नथिंग बट ग्रिसलॉ। ठीक है, क्लियर है ग्रिसलॉ। कुछ यस मैम यूरोबो लिपिड ऐसे होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों होता है, तो अगर मैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों लिख दूं तो ऐसे वाले को मैं क्या बुलाती हूँ, राइट ग्लिसराइड्स। अरे वाह, शाबाश, ग्लिसराइड्स बोलते हैं उसको। क्लियर है? आपको ग्लिसराइड दो तरीके, तीनों तरीके के मिले, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड कैसे होता है, ट्राइग्लिसराइड में कितने फैटी एसिड होते हैं, ग्लिसरॉल थ्री फैटी एसिड कितने होते हैं? वन। वन। तो ये वाली जो पिक्चर है, पिक्चर नंबर ए, ये क्या है, मोनो, ड्राई या ट्राइग्लिसराइड? ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड। अगर किसी को कंफ्यूजन थी ना पीछे वाले डायग्राम में, तो ये वाला साथ में बना लो कि ये बहुत सिंपल दे रखा है। ट्राइग्लिसराइड आपसे पूछ सकते हैं, और इसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि कितने ग्लिसरॉल, वन ग्लिसरॉल प्लस तीन फैटी एसिड। बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन इससे आया है ना, तो जिससे आया उसको कंफर्म कर लेते, हर एंगल में लिख के देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन निकल जाए। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, किसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ऑयल का या फैट का? कोई बात, आएगा, टेंशन नहीं, इतना लिख लिया सबने। ठीक यूरोबो ठीक है, अब आते हैं ग्लिसराइड्स के बारे में जो था वो इतनी इन्फॉर्मेशन थी, अब पीछे चलते हैं, लेट्स सी कहाँ पहुंचे हम। पीछे जाते रहोगे तो तुम्हें इजी होगा। देखो हम सबसे पहले बोल रहे थे कि लिपिड जो होते हैं क्या ये पानी में सॉल्यूबल होते हैं, नो मैम ऑर्गेनिक सॉल्यूबल होते हैं?
यूएमआर योयो में बिल्कुल होते हैं। अब जो लिपिड होते हैं वो नोनू नोनू बच्चे, सिंपल वाले लिपिड कितने पढ़े हमने? थ्री टाइप। तीन टाइप के। सबसे पहला नोनू वाला बच्चा है हमारा फैटी एसिड, तो फैटी एसिड होता है उसका क्या फॉर्मूला होगा? RCOH आर सी ओ एच। आर में कितने कार्बन हो सकते हैं? 1 to 19। 1 to 19 हो सकते हैं। तो वो कौन सा फैटी एसिड है जिसमें 20 कार्बन होते हैं? आर्किडोनिक। एरेकिडोनिक। हाँ। और वो कौन सा, अच्छा फैटी एसिड तो ठीक है। अगर मैं ग्लिसरॉल की बात करूं तो ग्लिसरॉल में कितने ओएच ग्रुप होते हैं? थ्री और कितने कार्बन ग्रुप होते हैं वन बेटा? कार्बन ग्रुप भी तीन ही होते हैं ग्लिसरॉल में, ग्लिसराइड नहीं बोल रही मैं। ओके यो मैम। यो है ना, कार्बन तो दो सब में तीन होते हैं। ठीक है। अच्छा ग्लिसरॉल का दूसरा नाम ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अगर मैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को एक दूसरे के साथ मिला दूं तो क्या बन जाएगा? ग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड में कितने ग्लिसरॉल होते हैं? वन वन डाइग्लिसराइड में कितने ग्लिसरॉल होते हैं? वन वन। वन और फैटी एसिड टू टू पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? सिक्सटीन सिक्सटीन। तुम्हारे दिमाग में छप जाता है क्या चीजें? इतना सही कैसे बोल सकते हो? हेलो, कॉन्जुगेटेड लिपिड कर लेते हैं फिर, अगर तुम्हारे से भी गया तो आगे चलते हैं। तो लिपिड हमने कर लिए नोनू बच्चे वाले, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लिपिड्स की, दैट इज कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की क्या क्वालिटी है? बहुत सिंपल है। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स वो है जिनके पास एक तो लिपिड पार्ट है और उनके पास एक नॉन लिपिड पार्ट भी है। जैसे तुमको अपने को होलो एंजाइम याद है? होलो एंजाइम में क्या होता था? एक तो होता था प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट। थोड़ा थोड़ा वैसा सा नहीं लग रहा सुनने में कि एक लिपिड है और इसके पास एक नॉन लिपिड पार्ट है, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है इसका फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इज नॉन एज लेसिथिन। सुना है आपने? अगर आपने कभी कोई हेल्प बुक पढ़ी है ना तो आपने वहां पढ़ा होगा कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बायलेयर की होती है ना। ऐसे ऐसे बनाते हैं, लिपिड की एक लेयर है, ये लिपिड की दो लेयर है। हम पढ़ते हैं कि ये जो लिपिड की बायलेयर होती है ना, इसके यहाँ फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, इसलिए जो लिपिड की लेयर होती है इसे अपन क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड की लेयर। सुने? यस मैम। और अगर तुमने और कहीं ध्यान से पढ़ा है ना और डिटेल में पढ़ा, तो लिखा होगा इट इज अ टाइप ऑफ अ लिपिड नॉन एज लेसिथिन। हमारी सेल मेम्ब्रेन में लेसिथिन होता है, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कुछ फर्क होगा, है तो एक ही बात, लेकिन लिपिड और नॉन लिपिड पार्ट मिला होगा लेसिथिन में। तो थोड़ा सा लेसिथिन तुमको पढ़ना है। पढ़ा दू? यो इतना मत लिखो कॉपी में, लिखो लिखो। अंगूठा लगा देते, हो गया है तो। अरे रिया, ये सबके हिस्से का अंगूठा रिया अकेले लगा देगी। ओके ओके। फॉस्फोलिपिड, मेम्ब्रेन्स आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये हम सबको पता है। फॉस्फो एसाइल ग्लिसरॉल से बनी होती है, ठीक है। इनके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत थी नहीं। वैसे इसकी जो मुंडी थी उसमें एक फॉस्फेट बना देना था, तभी क्लियर हो जाता है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट वाला लिपिड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसको तुम्हें लेसिथिन बनाना है, कि हमारी जो फॉस्फोलिपिड है वो एक्चुअली काइंड ऑफ कॉन्जुगेटेड लिपिड है जिसका नाम है लेसिथिन। कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा, स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दे रखा है। तो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, अकेला तो होता नहीं, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो उसमें कितने फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक, यस चारों तरफ उसे ऑक्सीजन लगा होता है। अबे तुमसे ही बात कर रही हूं मैं, मैम। है ना। और हाइड्रोजन भी उसके साथ तीन कंबाइन होते हैं, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर बहुत है, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगी बस, एक फॉस्फेट और उसके आसपास चार स्पेस। इतना क्लियर है? अब एक कोलीन है, ठीक है।
कोलीन एक मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर तुमको पता होना चाहिए। कैसा होता है ये होता है दो कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा है और उस नाइट्रोजन के साथ तीन CH3 ग्रुप लगे। ठीक है, इसको दिमाग में बिठा लो, ये बहुत काम आएगा तुम्हारे। लेकिन सबसे यूनिक बायो मॉलिक्यूल में ये स्ट्रक्चर है जो मैंने तुम्हें कराया, बाकी सब तुमने कहीं ना कहीं सुने, ये नहीं सुना होगा तुमने। तो कॉलिन का मॉलिक्यूल कैसे याद रह जाएगा, ये वो है जिसमें बहुत सारे सी है, यहाँ पर भी सी लगा हुआ है, CH2 CH3 CH2, यहाँ पर भी तीन CH3 मॉलिक्यूल लगे, तो कॉलिन इज समथिंग जिसमें सबसे ज्यादा सी है। अगर नहीं भी याद आया तो इस चीज से तो याद रह जाएगा ना, कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर में मुझे इतना याद है कि सी से बहुत सारे सी थे इसमें, तो देख के पहचान जाओगे। तो फटाफट इसे उतारो, फिर हम इसे मिला के लेसिथिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। डाल लिया, ठीक है। तो शुरू रिया विनय, एकदम मेरे पूरे जोश में चल रही है। ठीक है जी बेटा, उतार लिया ना लेसिथिन। यस मैम। अब देखो, अब मैं लिपिड लिखने वाली हूँ जो तुमको पहले से पता है। ये तीन कार्बन है इसके साथ तीन ग्रुप ओके, ये तीन कार्बन है, तुमको देख के कौन याद आ रहा है, दिस इज अ प्रोपेन, इट्स अ प्रोपेन ना। उसके साथ सीओओ ग्रुप लगा हुआ है, सीओ ग्रुप लगा हुआ है एक एंड दो, ये दिख रहा है ना, एक सीओ ग्रुप लगा है एक और सीओ ग्रुप लगा है, लेकिन एक कॉन्जुगेटेड लिपिड है ना, तो इसमें एक जगह पे सीओ को हटाओ और उसकी जगह पे क्या लगा दो, तुम फॉस्फेट ग्रुप लगा दो। ठीक है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है सबको, यस मैं ग्रुप खोलने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ मिल गया मुझे फॉस्फेट, तो ये फॉस्फोलिपिड होगा। लेकिन फॉस्फेट के साथ कुछ यूनिक भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि मुझे लेसिथिन बनाना है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड, सो दिस इज अ लेसिथिन। तो तुम क्या करो, जो कॉलीन का स्ट्रक्चर था उसको लगा दो थर्ड पोजीशन पे। तो इस ऑक्सीजन के साथ देखो, CH2 CH2, दो कार्बन नीचे नाइट्रोजन और तीनों बाहर निकले हुए दिख रहे हैं, मिले। यस सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ लेसिथिन, सो दिस इज अ कॉलीन, समझ आई बात। इसी स्ट्रक्चर जी को ध्यान से देखना सारे, 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे देख लो, उसके बाद उतार लेना। अगर मैं इसको ऐसे लिख देती क्या कुछ फर्क हो जाता। मैं इसको ऐसे इसलिए नहीं लिख रही कि कहीं पे आइसोमेरिज्म हुआ है, मैं इसको ऐसे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। लेट्स से अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को मुझे थोड़ी छोटी स्पेस में बनाना होता, मैं लिखती रो रो इतनी सी जगह पे बनाना है, तो मैं चाहती हूँ कि दिखाई भी दे, तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ तो आई होप शॉर्ट में कर रही हूँ मैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो तो बताओ। लिख दो दो ऐसे, अब अपनी एनसीईआरटी देखो जरा, डायग्राम बनाए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, ये वाला फॉस्फोलिपिड क्या लिखा उसके नीचे, लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। ये आपको बनाने के लिए या लेबल होने के लिए, बनाने के लिए नहीं सॉरी, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, याद रह जाएगा। लेसिथिन लुक लाइक दिस ओनली, क्योंकि यस मैम। स्पेस कम थी इसलिए उन्होंने उसको ऊपर नीचे कर दिया। जब मैंने तुम्हें बताया था अमीनो एसिड, मैंने कहा था ना लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा अमीनो ग्रुप रहता है और राइट हैंड साइड पे COOH ग्रुप रहता है, लेकिन जब एनसीईआरटी बनाते हैं तो बावले इसको कभी ऊपर चढ़ा देते हैं, इसको कभी नीचे उतार देते हैं, करते हैं ना वैसा। वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास जगह की शॉर्टेज है, अपने पास नहीं है। तो सही तरीका यही है अमीनो एसिड लिखने का, उसी तरीके से लेसिथिन का सही स्ट्रक्चर यही है, इट जस्ट दैट एनसीईआरटी में वैसे लिखा है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों में से कुछ भी आ जाएगा, पहचानना कैसे है कॉलीन से, कॉलीन जहां दिखोगे तुमको पता चल जाएगा यही है लेसिथिन। क्लियर, तो ये स्ट्रक्चर बना लो, फिर वो वाला बना लो सामने और लिख लो सेम ही है, कॉपी में बनाओ। ये गोलू मैंने तुम्हारे लिए बनाए थे वैसे ही, बट गोलू बनाने की जरूरत है नहीं। हो जाए तो बताइएगा। चल, इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है, आ जा रही है बेचारी, अकेली खेल रही है, आना जाना आना जाने से अकेले लगा हुआ है। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन, यही था ना बेटा।
यू वहां आर पे वन। स्ट्रक्चर में ना इसके आगे ऐसा डब्बा बना के इसको लिख ले साइड में, पेंसिल से करियो प्लीज, इसको लिख दो कॉलिन। इसी से तुम इस पिक्चर को पहचान पाओगे। कॉलिन से मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है, कुछ कुछ यूज होता है क्या, नेट ऐड आती है किस चीज की, यू आर वन। किसकी आती है? फ्लोर क्लीनर से थे शायद, फ्लोर क्लीनर। अच्छा विंडो क्लीनर शायद। विंडो क्लीनर है। अच्छा मेरे को भी दिमाग में कॉलिन कॉलिन सुनाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, चले आगे। ओए R1 R2 दो अलग R ग्रुप लगे हैं यहाँ पे, ऐसी छोटी छोटी चीजें देख लिया करो, इसको अंडरलाइन कर लो यार, R1 R2, और साइड में लिख ले 2 different R groups। चलो डन, फटाफट पोल करो, और पोल के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। तुम भैया भाग जाते हो, पोल नहीं करते, होती चला को पोल करो, इम्पोर्टेंट है पोल, पोल से मुझे पता चलता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे खुराफाती दिमाग में। ओके तो 11th की बॉटनी से डर लगता है। अरे यार और वोट कर लो, कमाल है, इतने से वोट पोल आता है ना, सब कुछ लाना। 11th की बॉटनी से डर लगता है जनता को, और जनता को डर लगता है 11th की जुआलॉजी से। अच्छा 12th की बॉटनी से डर लगता है, 12th में ज्यादा बॉटनी है नहीं है वैसे, तुम्हें इसलिए 11th में तुम्हें डर लगता है, 11th ट्रेड की जुआलॉजी से डर लगता है। बेओ तुम्हें पता है जुआलॉजी बॉटनी का फर्क? अच्छा अभी हम क्या कर रहे हैं, जुआलॉजी बॉटनी बायोकेमिस्ट्री का जो ये तो ज्यादा चलाकी सांस दे दिया, बायो केमिस्ट्री चल रही है। हाँ लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो बॉटनी के अंदर पढ़ाऊंगी जुआलॉजी में पढ़ाऊंगी बेटा। तेरे को ज्यादा एग्जाम्पल मैं एनिमल के रिस्पेक्ट में दे रही हूँ ना, इतनी देर से बात कर रही हूँ, तो मैं तेरे को जुआलॉजी के रिस्पेक्ट में पढ़ा रही हूँ उसे, ठीक है? तो हम जब नेचर पढ़ते हैं तो इसको जुआलॉजी में पढ़ते हैं, जुआलॉजी तो हम कर ही लेंगे। तो जिनके ये 4 से 5 वोट आए हैं कि जुआलॉजी डिफिकल्ट लगती है, वो चिल करें, क्योंकि जुआलॉजी तो हम पढ़ ही लेंगे, बॉटनी तक पहुंचने में सवाल है, थोड़ी सी बॉटनी पढ़ी हमने। चलो ठीक है जी, आइए खत्म कर दे इसको, यू 5 मिनट का रहता है यार, उससे कुछ है भी नहीं, छोड़ दूंगी मैं तुम्हें, फिर आना और आगे करेंगे। देखो लास्ट बचे अपने पास डेराइव्ड, और रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहा चला गया, इतना आगे नहीं बढ़ना था। यस लिपिड्स की बात कर रहे थे हम, ये किसमें डिजोल्व नहीं होते हैं? वाटर तीन टाइप के लिपिड अपन ने पढ़ ले, सीधे साधे भोले भाले, कॉन्जुगेटेड और डेराइव, ठीक है? कॉन्जुगेटेड हमने पढ़ लिया, कॉन्जुगेटेड में हमने बस एक एग्जाम्पल पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा है, ज्यादा है भी नहीं, एक हमने सिंपल पढ़े और हम ड्राइव पढ़ेंगे अभी। सिंपल नोनू बच्चे वाले जो थे, हमने कहा जो फैटी एसिड होते हैं देज आर सिंपल हमारे लिपिड होते हैं, ग्लिसरॉल सिंपल होते हैं, ग्लिसराइड सिंपल होते हैं। ग्लिसरॉल और ग्लिसराइड में बड़ा कौन सा? राइट ग्लिसराइड, ठीक है। फैटी एसिड के केस में हमारा केमिकल फॉर्मूला RCOH। RCOH। अगर एक ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड लगे हैं तो उसे मैं क्या बुलाऊंगी? ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। कॉन्जुगेटेड, गुड। कॉन्जुगेटेड लिपिड के अंदर अगर मैं लेसिथिन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो लेसिथिन के स्ट्रक्चर में मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा? प्रोपेन फॉस्फेट और क्लोरीन फॉस्फेट ग्रुप कितने हैं?
वन 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 और कोलीन वन वन कौन सा फैटी एसिड होता है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड चाचा जी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या है? एक एक एंजाइम एक सब्सट्रेट का बाइंड करके खुश था ना, सैचुरेटेड मतलब एक एक, ठीक है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड बोला। मेरे को दूसरा सुना, ठीक है फिर तो सही बोला। नेक्स्ट आगे चलते हम लोग। अब हम बोल रहे हैं कुछ नहीं है, ड्राइव लिपिड्स की बात करें। ड्राइव लिपिड्स आर नथिंग बट ये टेक्निकली लिपिड्स नहीं होते बट दे एक्ट एज ए लिपिड, ठीक है? तो दे आर नॉट टेक्निकली लिपिड्स पर ये उसकी तरह बिहेव करते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल दे ऑल्सो डू नॉट डिजोल्व इन वॉटर। तो लिपिड के कंपैरिजन में इनका स्ट्रक्चर काफी चेंज होता है। डिराइव लिपिड जनरली वो होते हैं जिनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मुला में। लेकिन ये टेक्निकली लिपिड्स नहीं होते, उनसे डिराइव होते हैं, तो उनके जैसे फीचर बहुत शो करते हैं। अब इसके अंदर जो दो ऑप्शन पढ़ते हो आप, दैट इज अ कोलेस्ट्रॉल एंड ए स्टीरॉइड्स। आपको डिटेल में किसी के नहीं जाना, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में, तो आपको वो आना चाहिए। जब आप स्टीरॉइड्स की बात करते हो, आपकी बॉडी में स्टीरॉइड्स बहुत है। कैसे? आपने हार्मोन्स पढ़े, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन बताओ जो स्टीरॉयडल है, टेस्टोस्टेरोन और एक फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन, यस। जब आप हम हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, लास्ट में जाके आएगा, वहां पर ये क्वेश्चन बनता है कि स्टीरॉयड से कौन से ड्राइव है। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। प्रोटीन से कौन से ड्राइव है, अमीनो एसिड से कौन से ड्राइव है, ठीक है? तो स्टीरॉयड वाले ये है। स्टीरॉयड जो होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनका इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। इसके एस्ट्रोजन का इफेक्ट भी बहुत स्ट्रांग होता है फीमेल बॉडी में, नहीं टेस्टोस्टेरोन का भी। सो स्टीरॉयडल वालों के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर तुमको याद करना पड़ेगा क्योंकि शायद ये एनसीईआरटी में है, अभी भी है नई वाली में, देख मिला एक साल पुरानी में तो है, ठीक है? तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर में याद कैसे रखोगे? कोलेस्ट्रॉल मतलब बहुत तला हुआ ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना तले हुए चीजों से, कहते हैं हम, जो है ना? तो अगर तुम बहुत तला वाला समोसे कचौड़िया भर भर के खा लोगे, उसके बाद तुमसे ऐसे नॉर्मल बैठा जाएगा आलती पालती मार के, अच्छे बच्चे की तरह, है नो ना? फिर कैसे बैठोगे तुम ऐसे मस्त हाथ फैला के, टांगे ऐसे टेबल पे रख के ऐसे बैठोगे, जो है ना? देखो अच्छे तरीके से, तो मैं तो इसी तरीके से, मुझे तो ये ऐसी याद है सच बताऊं तो, कि कोलेस्ट्रॉल वर्ष से भरी हुई चीजें खाने के बाद मैं तो ऐसी बैठूंगी, तुम्हारा मुझे पता नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल इज द वन जिसमें पहले रिंग याद रखनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। पांच रिंग दिख रहे तुमको? तो जी पांचवा रिंग है वो क्या हो गया, उसने अपनी दो टांगे फैला ली है, दिख रही? टू लेग्स। जी तुमको कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए तो आएगा नहीं नीट में, क्योंकि फॉर्मूला तो नहीं आ सकता बनाने के लिए। वो तुम्हें क्या दे सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए पहचान लोगे अब, क्योंकि जब यही फॉर्मूला मॉर्फिन और केमिकल चीजों के साथ आएगा ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो तुमको दो टांगे तो याद रह जाएगी ना, पांच रिंग वाली, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर इट। ट्राई कि जितने डायग्राम्स है ना उसको देख के लेबल करना, ऐसे नन्हे बच्चे की तरह याद मत करो, उसके साथ कोई ट्रिक लगा लो। क्योंकि जब भी नीट देगा ना कंपैरिजन में, वो बहुत क्लोजली रिलेटेड चीजें देगा, वो कभी ऐसा नहीं देगा देख के बता दोगे, बहुत क्लोज होंगे। कभी ग्राफ देखना, जब तुम पिरामिड्स करते हो, लॉजिस्टिक ग्रोथ वाले कर्व्स करते हो, तो जब वो ऑप्शंस में आता है बहुत सिमिलर होते हैं। तो ट्राई जितने डायग्राम है उनके साथ कोई चीज याद कर लो, कोई बात याद कर लो, कोई स्टोरी याद कर लो, तो तुमको याद रह जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल के साथ याद कर सकते हो कि यार खाने के बाद मैं तो अपने मस्त टांगे फैला के बैठेंगे दो टेबल पर रख के, तो दो लेग्स जिसमें निकल रही है फिफ्थ रिंग पे, दैट इज अ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है? अब ये लास्ट पिक्चर है इसमें, तो देखो पालमिटिक एसिड की फोटो दे रखी है, तुमने नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, तो तुम कैसे करोगे? ये COOH ग्रुप है और ये सारा R ग्रुप होगा यार, दैट मींस दिस इज अ फैटी एसिड। तुमको इतना पता चल गया फैटी एसिड है, कौन सा है? 14, 15, 16। 16 कार्बन का फैटी एसिड था मेरा पालमिटिक एसिड, तो इसके नीचे 16 कार्बन लिख ले, यही क्वेश्चन बन सकता है। और इसको R ग्रुप लिख ले तो याद रह जाएगा। ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल कैसे याद रह जाएगा? 3 OH है और 3 कार्बन है, दिस ग्रुप इज एक्चुअली अ प्रोपेन ना, तो मैं इसी को लिख सकती हूँ ना, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है और 3 ही है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है और 3 प्रोपेन है, और हाइड्रोक्सी को मैं लिख सकती हूँ ना OH
और प्रोपेन को मैं लिख सकती हूँ ना, सी सी सी, याद रहेगा। ट्राइग्लिसराइड इन्होंने यहाँ बना रखा है, ट्राइग्लिसराइड देखो, ट्राइग्लिसराइड में सी ओ ओ आर, ये एक हो गया, ये दो हो गया, तीन। इस वाले को इन्होंने इस साइड लिख दिया क्योंकि जगह कम थी उनकी, ठीक है। और यहाँ इन्होंने लिखा है ये आर वन आर टू आर थ्री यस फैटी एसिड, तो इसमें नीचे लिख ले तीन फैटी एसिड प्लस वन ग्लिसरोल। क्वेश्चन इन्हीं से बनता है, इसको तुम वही लिख लोगे तो कैसे भूल जाओगे ना, राइट। यो मैम, ठीक है, इसको यस वही मैम, लेबल कर लिया, अब यहां से भाग जाओ। अब मैं तुमको मिलती हूँ 8:30 पे और हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन कर लेना, भाग जाना, ठीक है जी। यो मैम, अब इसके क्वेश्चन लगाएंगे, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, बाय बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय थैंक मैम। यू मैम, बाय मैम। बेटा मीटिंग लीव कर लो, क्योंकि मुझसे गलती से एग्जिट हो गया और अब कोई और एडमिन बन गया है, तो लीव कर दो नहीं तो ये क्लास चलती रहेगी। वाणी अंशिका लीला हिमानी।